5 o'clock annual day. ठीक है। L4 L5 S1। अच्छा L5 S1, ठीक है। कब से ये जो मुझे दर्द शुरू हुआ है वो तकरीबन 5-7 महीने पहले बहुत ज़्यादा हो गया था। तो एक्सरसाइज की नहीं, रोजाना नहीं आना आपने। हाँ। अगर आपको कल दर्द हो ना, हाँ, तो फिर आना है, अगर नहीं है तो फिर जरूरत हो। इतवार को खुलता है ना जी? इतवार को नहीं, बाकी दिन भी खुलता है, वो बच्चे से टाइम पूछना और खुलता है। तो वो जी बढ़ता एक फिजियोथेरेपी वाला है बंदा, उसकी मशीन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नीडल प्रिकिंग होती है, इसमें उससे फर्क पड़ जाता है, वो कर करा के वक्ती तौर पर हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरी राइट साइड, हाफ से राइट साइड नीचे, पूरा हिप, हाँ जी हिप नहीं साइड नहीं, पूरा हिप राइट वाला साइड इधर तक आता है और इधर से इधर एक टाइम तो आता है, बाज का इधर भी शुरू हो जाता है, लेकिन इधर बहुत का हमारा। आपने कब करवाया ये? 2-1.5 मिनट आपका नियटेड में कन्वर्ट हो। अच्छा, आपको जो डिस्क है ना वो डैमेज होती है। अच्छा, ये पहले आपका बल्जिंग होता है, ठीक है, मतलब जो स्लिप डिस्क होती है ना वो बल्जिंग में कन्वर्ट होती है। अच्छा, उसका प्रेशर आता है, बल्जिंग प्रेशर आने को कहते हैं। सही, ठीक है। उसके बाद वो अर्निएटेड में कन्वर्ट होती है। अर्निएटेड कहते हैं कि जब प्रेशर आने की वजह से वो डिस्क डैमेज होती है। सही, ठीक है। वो जेली होती है, उसमें पानी होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो वो जब डैमेज होती है ना, तो जैसे ही डैमेज होगी तो हिप के साइड पर सिर्फ दर्द आएगा। मेरी पूरे हिप की साइड पर भी नहीं आता, पूरा हिप वो फील ऐसे होता है ना, मसल जब वीक हो ना तो फिर फील होता है, जिसके मसल ज़रा स्ट्रॉन्ग हो फिर उसको सिर्फ हिप के साइड पे फील होता है, ठीक है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो मसल वीक हो जाते हैं, उसमें फिर बंदे को ज़्यादा फील होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये फिर यहाँ से चलेगा सीधा नीचे पाँव तक जाता है, फिर पाँव की उंगलियों में दर्द होता है। उंगलियों में दर्द हो रहा है, की बात है कि उंगली में नहीं दर्द हो रहा, सुन हो रही है। एक इंस्टेंस हुआ जिसमें पैर के पंजे में दर्द, ठीक है। अब लेफ्ट वाला जो पैर है, लेफ्ट वाला, राइट वाले, लेफ्ट वाले पैर में जो आखिरी उंगली के साथ वाली उंगली है वो बाज़ात कुछ सोन टाइप फीलिंग देती है एक को, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा वो भी उस वक्त होता है कि जब मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ लंबी ड्राइव को। टांग तो नहीं सुन होती आपको? टांग तो नहीं फील होता है, कंधों में खिंचाव प्रेशर फील होता है? इसके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के सब वो जो जिनके नहीं होता ना वो बड़े प्लस। एनीवेज, अभी ये कि आपको ये हुआ है हर्निएटेड में कन्वर्ट, ठीक है। हर्निएटेड डिस्क के डैमेज होने को कहते हैं। इसमें ऑलमोस्ट होते हैं 4 सेशन, ठीक हो गया, ठीक है। एक सेशन तो आपका अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वाइकल से हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम सैक्रम तक जाते हैं, ठीक है। अभी आपका ये जो अपर प्रेशर है ना, ये आपका डोर की वजह से आपका सारा पूरी स्पाइन डिस्टर्ब हुई थी, इसलिए आपको ऊपर का भी इशू है। हाथों की उंगलियाँ तो नहीं सुन होती आपकी, वो ठीक है। बाजू में कहीं दर्द तो नहीं आता? शोल्डर में, बाजू में, यहाँ इधर एल्बो के करीब करीब, इस एल्बोज में तो दोनों में होता है, लेकिन एक्सरसाइज की वजह से हुआ था। टेनिस एल्बो जो होती है वो बाजू का इस जगह पे आता है, बस हल्का सा, ठीक है, वो आता है ना। ये सजदे में जब जाता हूँ तो ये इस जगह, ठीक है। वो आपको इस सैक्रम डिस्टर्ब है ना, आपको इसलिए कंधों में खिंचाव, प्रेशर ये फील होता है, ठीक है। अभी फर्स्ट सेशन में तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, जो आपका अपर खिंचाव और प्रेशर वाला सीन है वो आपका ठीक हो जाएगा। फिर आपका लोअर लंबर रह जाएगा और सैक्रम रह जाएगा, ठीक है। लोअर लंबर जो आपका L5 है और सैक्रम जो आपका S1, अच्छा, ठीक है, वो आपका सॉल्व होगा नेक्स्ट सेशन में, अच्छा, ठीक है। फिर आपका हर्निएटेड रह जाएगा, सही, वो उससे नेक्स्ट सेशन में होगा, अच्छा, ठीक है। अभी फर्स्ट सेशन में ये होगा कि आपका जो प्रेशर है ये सारा पर ये रिलैक्स हो जाएगा, ये तो रिलैक्स हो जाएगा। ये तो मुझे जो मैं उधर कंबल साहब है उनको भी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है शाम को या दिन फिर आपका पूरा खुश हो जाएगा। मुझे एक्चुअली मसला जी ये यहाँ पे मैं इसके लिए आया हूँ आपके पास, तो सांस लेने में मुश्किल तो नहीं होती मुझे? पैसना तो है, ठीक। दरअसल ये होता है, इसका प्रोसीजर ये होता है ना कि एक टाइम में एक चीज़ सेट होती है, ठीक है, क्योंकि जो सैक्रम है आपका जैसे सर्वाइकल है ना, 7 वर्टेब्राज इसके होते हैं, वो जब रीसेट होंगे उसको कम से कम 4 आवर्स चाहिए रीसेट होने के लिए, अपनी जगह पर एडजस्ट होने के लिए, ठीक है। जब वो एडजस्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम टी सेक्शन पे आएंगे, फिर आपकी जो सांस का ये जो प्रॉब्लम है ना ये थोड़ा सॉल्व होगा। फिर उसके बाद हम लोअर लंबर पे जाएंगे, फिर सैक्रम पे जाएंगे। आप मुझे ये बताएं, मैं कल शाम तक अगर आज के दिन में 2 सेशन करवा लूँ, कल सुबह करा लूँगा, कल शाम को भी कहेंगे तो मैं एक और करा लूँ, ठीक है, लेकिन आज के दिन में मुझे नीचे से कोई रिलीफ मिलना चाहिए। मैं ये लोअर बैक तो चले हो जाएगा, बट ये कि हमारा एक सेशन फ्री है ना, एक तो आपका भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर सेकंड के आपको चार्जेस पे करने हैं। ठीक है, तो वो आप इवनिंग में करा, इवनिंग में कब तक बैठे 4 आवर्स के बाद आप करा सकते। अभी क्या टाइम हो रहा है? 2 6 बजे आप आके नेक्स्ट सेशन। ठीक है, लेकिन आप 8 बजे तक? जी 8 बजे। चले इस मतलब 8 बजे से पहले मैं आ सकता हूँ? जी बिल्कुल आप आ सकते हैं। 8 बजे। और कल कब हो सकता है? कल आप इवनिंग में ही आ सकते हैं, क्योंकि कल मैं आऊँगा सिर्फ 6 बजे, 6 से 8 के दरमियान आऊँगा। ठीक है, आज आप फर्ज करें मैं नहीं आ सकता, वो फिर ये दोबारा डिस्टर्ब हो जाएगा सर, क्योंकि इसका प्रॉपर पूरा इलाज जब आप कराएंगे, प्रॉपर 4 सेशन लेंगे, तो तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी उसमें आप एक ये आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम का इशू है तो आपका जो सर्वाइकल है और टी सेक्शन है वो मैं अभी आपका दोनों एक ही में कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ये कि आप कहाँ रहते हैं? करीब है भाई लगाए, फिर आप ये करेंगे, फिर आप ना ये गाड़ी आपके पास, आप गाड़ी नहीं, फिर कम से कम 1 घंटा लेटेंगे, सीट पीछे करके यहीं पे लेटेंगे। ठीक है, घंटे के बाद फिर हम आपको सेकंड सेशन दे देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने गाड़ी में ही लेटना है, फिर घंटा ही लेटना। अच्छा आज ये भी? जी जी। ठीक है, घंटे 2 के बाद फिर आपने आपकी सिचुएशन बतानी है क्या है, फिर हम आपको ऑन द स्पॉट फिर तीसरा सेशन दे देंगे, फिर 1 सेशन आपका था। ठीक है, इसमें 1 सेशन फ्री हो जाएगा, 2 के चार्जेस हो जाएंगे, और जो आपका कल वाला होगा वो भी चार्जेस होंगे। बेसिकली 2 के भी चार्ज हो जाएंगे। जी 3 सेशन हो जाएंगे, 2 के चार्ज, 1 के। ठीक है, अभी आप पहला सेशन ले लें, आप सेटिस्फाई हो, फिर आप नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अब देखो। हेलो हेलो